कुदेव जो पीएससी मा होके बवाल, दिन रात पढ़ना है मजा वो धमाल, काम कर ले थसरे टेंशन, अरे काम कर ले थसरे टेंशन, जब अफसर बन के ते कर पे धमाल। ये कैसे होगा सर? हेलो एंड वेलकम बैक। कोको के टॉप एमसीक्यूज में आपका फिर से स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि कोको को जो नया इनिशिएटिव है, जहां पर आपको एमसीक्यू सीरीज लेके आ रहा है, जिसमें एमसीक्यू के माध्यम से आपका सीजीपीएससी का पूरा सिलेबस यहां पर क्या होगा, कवर किया जाएगा, और अपकमिंग एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछने की संभावना है, और पिछले साल में क्या क्या प्रश्न पूछे थे, उन सबको मिला के हम क्या करें, एक प्रश्न बैंक लेके आए हैं जो आपके लिए बहुत मददगार होने वाली है। इसी कड़ी को आगे बढ़ते हुए हम अगला टॉपिक लेके आ रहे हैं, रेशियो प्रोपोर्शन, जिसको हम बोलते हैं अनुपात समानुपात। रेशियो मतलब अनुपात, प्रोपोर्शन मतलब यहां पर क्या हो गया, समानुपात। इस रेशियो को हम इज टू से दर्शाते हैं और इस प्रोपोर्शन को हम डबल इज टू से दर्शाते हैं। और ये डबल इज टू का जो मतलब होता है, ये डबल इज टू का मतलब यहां पर क्या होता है, ये हमारे पास होता है, ये हमारे पास इक्वल का चिन्ह होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है ए इज टू बी दिया हुआ है, या आपको ए अपॉन बी दिया हुआ है, या आपको ए डिवाइडेड बाई बी दिया है, इन सब का मतलब एक ही होगा, वो क्या होगा, ए अनुपात यहां पर क्या होगा, बी होगा। और अगर सपोज आपको ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी दिया है, तो इसका मतलब ए अपॉन बी इक्वल टू यहां पर क्या हो जाएगा, सी अपॉन डी होगा। ठीक है, तो ये हमारा पोर्शन क्या हुआ, अनुपात हुआ, और ये हमारा पोर्शन यहां पर क्या हुआ, समानुपात हुआ। एक चीज याद रखना, जो भी आपका रेशियो रहेगा, अनुपात रहेगा, वो हमेशा आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में रहेगा। किस में रहेगा, सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब यहां पर क्या होगा, वो आपका सरलतम रूप में रहेगा। सरलतम रूप मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर सपोज आपको 6:15 दिया गया है, तो यहां पर ये जो दो संख्या है 6 और 15 दिया हुआ है, किससे कटेगा, ये हमको कटेगा 3 से कटेगा दो बार में, और ये कितना हो जाएगा 5। तो याद रखना, हमेशा जो भी आपका रेशियो रहेगा वो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में दिया रहेगा। ठीक है, अब इसी सीरीज को आगे बढ़ाते अपन क्वेश्चन देखते हैं जो हमको दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन हम आते हैं, ये हमको दिया हुआ है ए अनुपात बी दिया हुआ है 2:3, बी अनुपात सी दिया हुआ है 3:4, सी अनुपात डी दिया हुआ है 3:5, और हमको ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकालना है। यहाँ पे दोनों कॉन्सेप्ट समझते हैं, ए बी सी का भी समझते हैं और ए बी सी डी वाला भी समझते हैं। ठीक, क्योंकि एग्जाम में दोनों क्वेश्चन पूछता है आपका। तो गिवन कंडीशन पहले क्या लेते हैं, पहले हम ए बी सी लेते हैं। ठीक है, पहले कंडीशन हम लोग यहां पर क्या लेते हैं, ए बी और क्या लेते हैं, सी। अगले कंडीशन में हम क्या ले लेते हैं, ए बी सी और डी। ठीक है भाई, अब हमको निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी। तो ए में क्या वैल्यू दिया है, ए अनुपात बी कितना दिया, 2:3 दिया हुआ है, तो यहां पर वैल्यू 2 और यहां पर ये वैल्यू कितना हुआ, 3। अगले बार में बी में दिया हुआ है 3 और सी में दिया हुआ है 4, तो अगली बार यहां पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 और ये कितना हो जाएगा, 4। ठीक, अब यहां पे 3 में खत्म हुआ और यहां पर ब्लैंक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये जो होगा ये आपका 3 से फिल हो जाएगा, और अगेन यहां पर क्या दिया आपके पास, ये वाला ब्लैंक है और इसके बाद कितना दिया, 3, तो ये क्या हो जाएगा, 3 से फिल हो जाएगा। डायरेक्टली मल्टीप्लाई किया ऐसा, तो ये वैल्यू हुआ 6, ये वैल्यू हुआ 9 और ये वैल्यू हुआ 12। क्या ऐसी कोई संख्या है जो तीनों से कटेगा, तो हमारा आंसर होगा यस, 3 से कटेगा 2 बार में, 3 से कटेगा 3 बार में और 3 से कटेगा 4 बार में, तो हमारा रेशियो यहां पर क्या हो जाएगा, 2:3 यहां पर क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, अब यहां पे आ जाते हैं
अब हम साथ में यहां पर क्या करें, अब हमको डी को भी ऐड कर ले रहे हैं, डी भी आ जा रहा है। तो अब यहां पर ए बी सी डी में हम देखते हैं तो ए आपको दिया हुआ है, ए और बी कितना दिया आपको दो, और दिया हुआ है तीन, बी और सी में कितना दिया हुआ है तीन, और यहां पे दिया है चार, और सी और डी में कितना दिया हुआ है तीन, और साथ में कितना दिया हुआ है पांच। यहां तक क्लियर? अब यहां पे तीन में खत्म हुआ है और उसके बाद ये दो जगह ब्लैंक है, तो यहां पर क्या हो जाएंगे, हम थ्री और थ्री से इसको फिल कर देंगे। यहां पर चार में खत्म हुआ है तो यहां पर क्या हो जाएगा, चार लगा देंगे, और यहां पर ये स्पेस खाली है, इसके बाद यहां पर क्या तीन है, या तीन से पहले यहां पे क्या लगा देंगे, तीन। अब यहां पे ये दो प्लेस खाली है और लास्ट यहां पे किस में आ रहा है, थ्री पे हो रहा है, तो यहां पर आ जाएगा थ्री और यहां पर आ जाएगा थ्री। ये वैल्यू हमारे पास आ गया। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, दो तिया छः, छः तिया क्या हो जाएगा, अट्ठारह। ये पहला काम। अब इसको मल्टीप्लाई किए तो तीन तिया नौ, नौ तिया यहाँ पर क्या हो जाएगा, सत्ताईस। यहाँ मल्टीप्लाई किए तो तीन चौक बारह, बारह तिया कितना हो जाएगा, छत्तीस। तीन चौक बारह, बारह पंचे कितना हो जाएगा, साठ। अब देखते हैं क्या ये नंबर किसी से कट रहा है, चारों के चारों, हाँ तीन से कट रहे हैं। कितने बार में, छः बार में, ये हो जाएगा नौ बार में, ये हो जाएगा बारह बार में, और ये हो जाएगा बीस बार में। तो इसी कारण हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सिक्स छः नौ बारह और बीस, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? ये हमारे पास डायरेक्टली हमारा आंसर हो। अगर मान लो पूछा है आपको ए बी और सी, तो हम क्या करेंगे, ये करेंगे, और अगर बोलेगा ए बी सी डी, तो हम क्या करेंगे, ये करेंगे। इसमें अक्सर जो क्वेश्चन पूछता है वो भी याद रखना कि आपको दिया हुआ है ए अनुपात बी, आपको दिया हुआ है दो अनुपात तीन, और आपको दिया हुआ है बी अनुपात सी, दिया तीन अनुपात चार, और आपको डायरेक्टली निकालने बोलेगा ए अनुपात सी। और फिर अगर आपको मान लो साथ में सी अनुपात डी दिया है और आपको निकालने बोलेगा ए अनुपात डी, आपको एग्जाम में ऐसा भी पूछ सकता है। ठीक, तो एक चीज़ हम समझते हैं कि आपको ए अपॉन बी मल्टीप्लाइड बाई बी अपॉन सी करते हैं तो ये बी भी कैंसिल होके अल्टीमेटली क्या बचेगा आपको, ए अपॉन सी, मतलब ए इज टू सी बचेगा। ठीक है, और यहां पर देखते हैं अगर मैं सपोज इसी सीरीज को ए अपॉन बी इंटू बी अपॉन सी इंटू सी अपॉन डी करता हूं, सी अपॉन यहां पे डी किया, तो उसमें यहां पर क्या हो जाएगा आपका सी सी बी भी कट जाएगा, अल्टीमेटली क्या बचेगा ए अपॉन डी, मतलब ए अनुपात डी बचेगा, वही सीधे अपन कंटिन्यू रखेंगे। तो अब यहां पर ए अपॉन बी, ए अपॉन बी कितना दिया आपके पास, दिया हुआ है टू अपॉन यहां पर क्या दिया हुआ है थ्री, इंटू बी अपॉन सी कितना दिया हुआ है थ्री अपॉन क्या दिया हुआ है फोर, ये दोनों कैंसल हुआ एक बार में और दो बार में, तो वन अपॉन टू हुआ, तो डायरेक्टली ए इज टू सी कितना हो जाएगा, वन इज टू टू, ये हमारा आंसर आ जाएगा। और अगर सपोज हमको ए इज टू डी बोला है निकालने के लिए इस प्रश्न में, तो हम क्या करेंगे, इस प्रश्न में हम तो ये जानते हैं कि बी का वैल्यू, ए का वैल्यू कितना है छः, और यहाँ पे इसका वैल्यू कितना है बीस, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको पूरा ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकालना होगा। और अगर सपोज हमको सिर्फ ए अनुपात डी बोला है तो ए अपॉन बी कितना हुआ, ये जो ए अपॉन बी है यहाँ से इसका वैल्यू अपन लगाते हुए चलते हैं कितना आता है ये देख लेते हैं। यहाँ पर आपको ए अनुपात बी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है टू अपॉन थ्री दिया हुआ है, बी अपॉन सी कितना दिया हुआ है, ये हमको दिया हुआ है थ्री अपॉन फोर दिया हुआ है, और सी अनुपात डी कितना दिया हुआ है थ्री अपॉन यहाँ पर क्या दिया हुआ है फाइव दिया है। तो यहाँ पर ये दोनों कट गया, ठीक है, दो एक बार में दो दो बार में, तो ये कितना हो जाएगा बचेगा हमारे पास, कितना हो जाएगा तीन बटे क्या बचेगा दस, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा तीन अनुपात दस, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर, जो फाइनल हमारा आंसर क्या होगा, अगर बोलेगा ए अनुपात सी बोलेगा तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा तीन अनुपात क्या हो जाएगा दस हो जाएगा। क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लो ताकि ये कॉन्सेप्ट, बहुत बार एग्जाम में आपको डायरेक्टली ए अनुपात डी और ए अनुपात सी पूछता याद रखना। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये आपको दिया हुआ है, हमको हमको जो गिवन कंटेंट है ये आपको दिया हुआ है 8a प्लस 3b अपॉन दिया हुआ है 4a प्लस यहाँ पर क्या दिया हुआ है 5b आपको दिया हुआ है। इसका वैल्यू कितना दिया है 25 अपॉन यहाँ पर क्या दिया हुआ 23।
हमको निकालना है ए इज टू बी, हमको ए इज टू बी हमको ये निकालना है, ठीक है। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो 23 इंटू 8 वो हमारे पास हुआ 184A प्लस 23 इंटू 3 करेंगे तो 69B इक्वल टू 25 इंटू 4 किए तो हमारे पास 100A प्लस 125B ये हमारे पास वैल्यू आ गया, ठीक है। इसको हम इधर ला के माइनस किए 184A माइनस 100A इक्वल टू 125B माइनस 69B, तो यहाँ पर बचा मेरे पास 84A बचा इक्वल टू, यहाँ पर किया तो 15 में से 9 गया तो कितना बचेगा 6 बचा, 11 में से 5 गया तो क्या बचेगा 6 गया तो कितना बचेगा 56B हमारे पास ये बचेगा। हमको निकालना बोला A is to B तो इसको इसके नीचे लाया तो ये A अपॉन B हो गया, और यहाँ पर इसको इसके नीचे लाया तो ये हो गया 56 अपॉन यहाँ पर क्या हुआ 84। 28 से दो बार में कटेगा, 28 से तीन बार में कटेगा तो हमारा आंसर 2/3 मतलब क्या हो जाएगा 2:3 ये हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत बार एग्जाम में ये आपको इनवर्स क्वेश्चन भी आपको पूछ सकता है, ये आपको सपोज मान लो दिया हुआ है कि A is to B, आपको यहाँ पर बोला है कि 2:3 ये आपको गिवन है और आपको निकालने बोला है 8A प्लस 3B अपॉन 4A प्लस 5B आपको ये निकालने बोला है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये जो A का वैल्यू है वो क्या हो जाएगा 2 और ये जो B का वैल्यू है वो कितना हो जाएगा 3। तो जहाँ जहाँ पर A होगा उसको 2 से रिप्लेस, उसको हम लोग क्या करेंगे 2 से रिप्लेस कर देंगे, और जहाँ जहाँ पर B होगा उसको हम लोग क्या करेंगे 3 से रिप्लेस कर देंगे। ये आपको डायरेक्टली दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है आपको डायरेक्टली दिया हुआ है कि A अपॉन B इक्वल टू 2/3 ये तो हम समझ गए हैं। बहुत बार एग्जामिनर क्या करेगा आपको इसको थोड़ा सा आपको चेंज करके देगा, फॉर एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है कि 3A इक्वल टू 2B हमको ये दिया हुआ है, तो पहला काम क्या होगा हमारा पहला काम होगा इसको यहाँ से A इज टू B बनाने का पहला काम होगा, तो उसमें ये इधर आ जाएगा तो ये A अपॉन B हो जाएगा और ये इसके नीचे आ जाएगा और ये कितना हो जाएगा 2/3 हमारे पास हो जाएगा। तो A अपॉन B A इज टू B का वैल्यू कितना हो जाएगा 2:3 रहेगा। तो एग्जाम में आपको ऐसा भी आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज करके दे सकता है। क्लियर हुआ ये वाला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। ये आपको दिया हुआ है तीन संख्याओं का योग दिया हुआ है 65, यदि पहली संख्या से दूसरी संख्या का अनुपात 3:4 और दूसरी से तीसरी का अनुपात 2:3 है तो आपको दूसरी संख्या ज्ञात करना है, पहली संख्या ज्ञात करना, सबसे बड़ी सबसे छोटी आपको कुछ भी आपको पूछ सकता है। तो मान लेते हैं हम जो तीन संख्याएँ हैं ना वो ए बी और सी में ऐसा हम मान लेते हैं, ठीक है। तीन संख्या अननोन है, 2 और 3 मतलब ए बी और सी मान लिए। पहली और दूसरी का फर्स्ट और सेकंड का रेशियो कितना दिया हुआ आपको दिया हुआ 3:4 दिया है, और साथ में क्या दूसरी और तीसरी का कितना दिया हुआ है 2:, यहाँ पर क्या दिया हुआ है 3, यहाँ पर 4 पे ख़त्म तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पे 2 तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, ये हम पहले समझ चुके हैं, ठीक। ये वैल्यू आया 6 का, ये वैल्यू आया 8 और ये वैल्यू आया 12, ये हम जान चुके हैं। अब ये तीनों का तीनों किसी से कटेगा क्या 2 से कटेगा 3 बार में, 2 से कटेगा 4 बार में और 2 से कटेगा 6 बार में। इसका मतलब A is to B is to C जो हमारे पास तीन संख्या है, जो हमारे पास तीन संख्या है A is to B is to C ये जो संख्या है वो है 3, 4 और 6 के अनुपात में है, ठीक है। हमको निकालने क्या बोला है, हमको निकालने बोला है दूसरी संख्या सेकंड नंबर निकालने बोला है, सेकंड का वैल्यू यहाँ पर कितना है 4, तो 4/3 और 4 = 7, 7 और 6 कितना हो जाएगा ये हमारे पास हो जाएगा 13, 4/13। अगर हमको क्या बोला है बी का बोला है तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया 4/13 किसका बोला है, अगर B का बोला है तो हमने यहाँ पर 4/13 लिया।
अब अगर सपोज मान लो हमको ए का बोल रहा है तो उस कंडीशन में हम क्या ले लेंगे, 3/13, जिसका पूछेगा उसका वैल्यू ऊपर रख लेंगे और जो जो अनुपात होगा तीनों को प्लस करके कहाँ लगा लेंगे, नीचे लगा लेंगे। अब कंप्लीट वैल्यू तीनों को योग कितना दिया हुआ है, 65 दिया हुआ है, तो उसको 65 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 13 एक बार में, 13 पाँच बार में, 4 पंचे कितना हुआ 20, और ये हमारा आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। जो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला, ठीक है। ये आपको दिया हुआ है जब 2, 3, 30 और 35 में से प्रत्येक में x जोड़ा जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्या समानुपाती हो जाती है। When x is added to 2, 3, 30 and 35, then the numbers obtained in this order are proportion. तो पहला काम हम x निकालने का करते हैं। मान लो सभी में आपको x को यहाँ पर क्या कर दिया, जोड़ दिया है, तो अब वो संख्या मतलब क्या हो जाएगा, वो संख्या क्या होगा, 2+x हुआ, फिर यहाँ पर 3+x हुआ, और यहाँ पर 30+x हुआ, और यहाँ पर 35+x हुआ। ये सब के सब यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शन में आ जाएगा, मतलब समानुपाती हो जाएगा। तो इसका मतलब 2+x upon 3+x = 30+x 35+x, ठीक है, यहां पर ये वैल्यू हुआ। अब यहां पर क्या करेंगे, अब अगर सपोज हम यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरीके से करना चालू करते हैं, यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई से चालू करेंगे तो ये जो वैल्यू होगा, ये वैल्यू क्या हो जाएगा, बहुत मतलब अगर हम इस इक्वेशन को अपन सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करने में थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर हम इसको यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, पहले 70, 2 × 35 क्या हो जाएगा 70, प्लस यहाँ पे 2 × x क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, और यहाँ के तो कितना हो जाएगा ये 35x, प्लस यहाँ पर क्या होगा x² = इस तरीके से यहाँ पर फाइनल होगा, और यहाँ से क्या होगा हमारा x का वैल्यू होगा, जो भी हमारे पास x का वैल्यू आएगा ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगा, ठीक है, ये पहला। और हम एक एजम्पशन लेके चलते हैं कि 2+x upon यहाँ पर क्या दिया हुआ है 3+x = यहाँ पर क्या दिया हुआ है 30+x upon 35+x, हम ये ले लेते हैं, ठीक है, ये हमको दिया हुआ है। यहाँ पर मैं देखा 30 और 35 किससे ऐड हो रहा है, मतलब 30 और 35 किससे डिवाइड हो रहा है, 5 से डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पे सपोज लेट अस कंसिडर कि x को हम ले लेते हैं 5, हमने x को यहाँ पर क्या ले लिया है 5 लिया है, क्योंकि ये दो नंबर क्या हो रहा है 5 से डिवाइड हो रहा है। तो ये जो वैल्यू होगा 2 और 5 कितना हो जाएगा 7, 3 और 5 कितना हो जाएगा 8, ये वैल्यू हुआ, और यहाँ पर 30 और 5 कितना हो गया 35, और 35 और 5 कितना हो गया 40, 5 से कटेगा 7 बार में, 5 से कटेगा 8 बार में। तो ऑटोमेटिकली हम देख रहे हैं कि जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है और जो हमारा राइट हैंड साइड है इक्वल यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर भी हमारा x का वैल्यू कितना हो जाएगा 7 आ जाएगा, आंसर इससे भी आ जाएगा, बट ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसीजर है, ठीक है। तो हमारा x का वैल्यू कितना आ गया, हमारा x का वैल्यू हमारे पास आ गया 5, हमारे पास x का वैल्यू आ गया, लेकिन हमको x निकालने बोला है, हमको निकालने बोला मध्य अनुपात। अगर मान लो आपको a देता है, b देता है और c देता है, और आपको बोलेगा कि इसका मध्य अनुपात b निकालना है, तो b का वर्ग बराबर क्या होता है ac होता है, और b बराबर क्या होता है वर्गमूल यहाँ पर क्या होता है ac, ठीक है। तो हमको x कितना वैल्यू आ गया, हमारे पास x का वैल्यू कितना आ गया 5 आ गया, और हमको निकालने क्या बोल रहा है x+7 और x-2, इसका हमको समानुपाती निकालने बोल रहा है, ठीक है। x प्लस क्या दिया है 7, तो ये हो जाएगा 5+7, और यहाँ पर हो जाएगा 5 माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, ये वैल्यू होगा 12, और ये हो जाएगा 3, 12 तो ये कितना हो गया 36, और ये 36 का वर्गमूल निकाले तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 6, तो वो जो वैल्यू होगा x+7 और x-2 का, जो क्या होगा, जो आपका मध्य अनुपात होगा
वो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? अच्छा, बहुत बार एग्जाम में क्या करता है आपको, सपोज ये इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछता आपको, आपको बोला है 4, फॉर एग्जाम्पल आपको बोलेगा 4, 10, 18, आपको बोलेगा इसका 4th, चतुर्थ अनुपाती निकालना, आपको ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में। तो उस कंडीशन पे क्या हो जाएगा, मान लेते हैं 4th अपन लोग क्या ले लेते हैं, x, तो ये हो जाएगा 4/10 बराबर क्या हो जाएगा, 18/x, यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लाई से। तो बहुत बार आपको एग्जाम में ऐसे ही पूछता है कि आपको प्रथम अनुपाती, द्वितीय अनुपाती, तृतीय अनुपाती, चतुर्थ अनुपाती, आपको ऐसा आपको पूछ सकता है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये आपको दिया हुआ है दो संख्याएं ए और बी ऐसी हैं कि ए का 5% और बी के 5% का योग ए के 6% और बी के 8% के योग के बराबर है और ए और बी का आपको अनुपात ज्ञात करने बोला है। ठीक है, तो पहला काम जो कंडीशन बोल रहा है कि ए का यहाँ पर क्या बोल रहा है, ए का 5% और बी का 4% का योग। हम क्या है, मैथ्स और रीजनिंग में क्या करते हैं, एक कॉमन गलती करते हैं। कॉमन गलती ये करते हैं, हम क्या करते हैं, हम पहले एक बार पूरे प्रश्न को पढ़ते हैं, पूरे प्रश्न को पढ़ने के बाद प्रश्न को समझने का अभ्यास क्या करते हैं, कोशिश करते हैं, और उसके बाद फिर क्या करते हैं, कोशिश करने के बाद हम देखते हैं कि ये प्रश्न हमसे बनेगा कि नहीं बनेगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये प्रश्न बनेगा तो आप कंटिन्यू करते हैं, और आपको लगता है कि ये प्रश्न नहीं बनेगा तो आप क्या करते हैं, उस प्रश्न को वहीं पर छोड़ देते हैं। ये सबसे कॉमन गलती जो आपको नहीं कर रहे हैं। मैथ्स और रीजनिंग में क्या होता है कि आपको जो कॉमा दिया हुआ है, फुल स्टॉप दिया हुआ है, इसलिए दिया है कि वहां पर आपको हॉल्ट करना है, आपको वहां पर रुकना है। तो जब क्या करेंगे, आप वहां पर रुकेंगे तो आपके पास एक समीकरण बनेगा, एक स्टेटमेंट बनेगा, या आपने वहां से लेकर वहां तक प्रश्न पढ़ा है तो आपको कुछ चीजें समझ में आएंगी, उस चीजों को उतार लीजिए आप। तो जब आप चीजों को कॉपी में उतारना चालू करेंगे तो आपको चीजें सिंप्लीफाई होनी चालू हो जाएंगी और वो प्रश्न आपका आसानी से बन जाएगा। जैसे प्रश्न देख के थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन हमको जैसा जैसा दिया, अगर हम उसको साथ में पढ़ते हुए उतारते हुए चले तो कितना आसान हो जाता वो देखते हैं। दो संख्याएं ए और बी हैं, बिल्कुल सही है भाई, ए और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, बी। कंडीशन बोल रहा है ए का 5%, तो ए का 5% और बी का 4%, बी का 4%, ये दोनों का योग, ऐसा ही बोला है, ये दोनों का योग ए का 6%, ठीक है भाई, ए का 6% और बी के 8%, बी के 8% के योग का 2/3 है। इनके योग का कितना दिया हुआ है, इनके योग का दिया हुआ है 2/3। तो आपको क्या निकालना है, आपको ए और बी का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमने जैसा प्रश्न पढ़ा हमने वैसे लिखना चालू किया तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, समीकरण बन जाएगा आपके पास। ठीक है, तो सभी में 100-100 है, तो सभी 100 को नमस्ते टाटा बाय बाय कर देते हैं। ठीक, तो यहां पर मेरे पास बचा 5a प्लस यहां पर क्या बचा, 4b बचा, इक्वल टू यहां पर 6a प्लस 8b और उसके साथ में बचा है 2/3। ठीक है, ये 3 को यहां मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 15a प्लस 12b बराबर 6a, सॉरी 2b है ना, 2 को अपन क्यों बोले अपन लोग भाई, तो ये हो जाएगा 12a प्लस यहां पर क्या हो जाएगा 16b। यहां लाके इसको माइनस किए तो हमारे पास बचा, हमारे पास इस जगह बचेगा, इस कंडीशन में हमारे पास बचेगा 3a और यहां इधर लाके माइनस किए तो ये बचेगा हमारे पास 4b और a और b का जो अनुपात होगा ऑटोमेटिकली, a और b का जो अनुपात होगा वो कितना हो जाएगा, 4:3। ये हमारा आंसर हो जाएगा 4:3। ठीक है, तो ये हमारा अगला क्वेश्चन था, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है 400 ग्राम, आपको दिया हुआ है
400 ग्राम आपको मिश्र धातु दिया हुआ है और वो किस चीज का है? जिंक, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है? कॉपर दिया हुआ है। कितना तांबा ग्राम में मिलाया जाए कि ये अनुपात कितना हो जाए? 5:4 हो जाए। ठीक, इस क्वेश्चन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन से हम लोग क्या करेंगे, बहुत सारी चीजें और सीखेंगे कि इस मिश्रण का जो अनुपात का क्वेश्चन होता है वो किस प्रकार बनता है। तो मान लेते हैं आपके पास एक एलॉय आपके पास रखा हुआ है, ठीक है, एक मिश्रण आपके पास रखा हुआ है। मिश्रण यहाँ पर कितने ग्राम का है? आपके पास 400 ग्राम का मिश्रण रखा हुआ है और ये मिश्रण किस किस चीज़ का है? आपका जिंक और किसका है? कॉपर का है। ये आपको दिया हुआ है जिंक का और साथ में क्या दिया हुआ है? कॉपर का दिया हुआ है। ठीक, और उनका अनुपात दिया हुआ है 5:3, मतलब ये आपको दिया 5 और यहाँ पर कितना दिया है? 3, मतलब जिंक और कॉपर के टोटल मिला के, आपके कितने भाग हैं? 8 भाग हैं। उस 8 में से 5 भाग आपका जिंक का है और 3 भाग आपका किसका है? कॉपर का है। ये हम समझ गए हैं। ठीक, तो पहला काम क्या करेंगे, जिंक की मात्रा निकालेंगे। जिंक कितना है? 5, तो जिंक हो जाएगा 5/8 मल्टीप्लाइड बाई 400 एक बार में और ये 50 बार में, तो ये कितना हो गया? 250। और कॉपर की मात्रा बोलेगा तो 3/8 मल्टीप्लाइड बाई 400, तो ये मात्रा हो जाएगा कितना? हो जाएगा 150। यहाँ तक क्लियर हुआ? जिंक का मात्रा कितना हो गया? 250। कॉपर की मात्रा कितना हो जाएगा? 150। अब हमको यहाँ कुछ भी पूछ सकता है कि कॉपर को 50 ग्राम हटाए, कॉपर को 50 ग्राम जोड़ दिए, है ना, या जिंक को 50 ग्राम हटा दिए, 50 ग्राम जोड़ दिए, तो नया अनुपात क्या होगा, या जिंक और कॉपर कितना कितना मिलाए कि ये अनुपात चेंज हो जाए। तो जिसमें मिलाने और जिसमें कम बोलेगा, हम सिर्फ उसी को बेस लेके चलेंगे। तो पहला काम, इस 400 मिश्र धातु में हमने जिंक और कॉपर का वैल्यू हमने निकाल लिया। ठीक, हमको बोल रहा है कि कितना आपको तांबा, मतलब यहाँ पर कॉपर है, ठीक है, क्योंकि वो हो गया कॉपर का। तो इसमें क्या बोल रहा है आपको, इसमें क्या बोल रहा है, कितना कॉपर और मिलाया जाए कि अनुपात कितना हो जाए आपको? 5:4 क्या हो जाए? 4 हो जाए। ठीक है, क्या हो जाए? 5:5 यहाँ पर क्या हो जाए? 4 आपका हो जाए। तो मान लेते हैं कॉपर हम एक्स मिला ले रहे हैं, कॉपर कितना मिला ले रहे हैं? एक्स मिला रहे हैं, तो ये हो जाएगा 250/150 प्लस एक्स, और अब ये जो मात्रा हो गई है वो कितना हो गया है? 5/4 हमारे पास हो गया है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किए यहाँ पर इस तरीके से, तो ये जो वैल्यू हुआ ये आपके पास हुआ 1000, यहाँ मल्टीप्लाई किए तो ये हुआ 750 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा? 5x, ये हमारे पास 5x हो जाएगा। ठीक है, ये जो वैल्यू हुआ ये हमारे पास कितना हुआ? 5x। यहाँ लाके इसको माइनस किए तो यहाँ पर हुआ 250 इक्वल टू हुआ 5x, तो x इक्वल टू हो जाएगा 250/5, ये वैल्यू हो जाएगा 50, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो बोलेगा आपको कि कितना कॉपर मिलाया जाए, हाउ मच कॉपर शुड बी एडेड, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 50। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। इसमें आपको ये भी पूछ सकता है कि अगर सपोज मैं जिंक की, अगर सपोज मैं 100 ग्राम जिंक निकाल दिया या 100 ग्राम जिंक डाल दिया, या मैं सपोज 50 ग्राम कॉपर निकाल दिया, तो नया रेशियो क्या होगा? इस टाइप वाला क्वेश्चन आपको बहुत बार पूछेगा। आपको अनुपात समानुपात का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले में आते हैं। ठीक है, ये नंबर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन है और रेशियो का ही है, थोड़ा सा मिला जुला क्वेश्चन। ये आपको दिया हुआ है 120 रुपए को ए बी और सी में इस प्रकार बांटना है कि ए का हिस्सा बी से अधिक और सी के हिस्से से 20 रुपए कम है। तो हम ले लेते हैं कि आपके पास ए है, बी है और आपके पास सी है, आपके पास तीनों है। ये तीनों के मध्य में हमको यहाँ पर क्या करना है, 120 रुपए को बांटना है। तो इसका मतलब ए, बी और सी तीनों के पास मिला के 120 रुपए है, ये हम जानते हैं। ठीक है, पहला कंडीशन क्या बोल रहा है, ए का हिस्सा बी से कितने रुपए अधिक है? बी के हिस्से से 20 रुपए अधिक है। मतलब ये जो ए का हिस्सा है ना, बी से कितना अधिक है? बी से 20 रुपए अधिक है। पहला समझ में आया?
क्या बोल रहा है, ए का हिस्सा बी से कितना कम है, 20 रुपए यहाँ पर क्या है, अधिक है, और ये जो ए है, ये जो ए है ना, ये जो ए है, ये जो ए है वो सी से 20 रुपए कम है, ठीक है। ये जो ए है बी से 20 रुपए अधिक है, और ये जो ए है सी से कितना कम है, 20 रुपए कम है। तो जब इसी का इन्वर्स के बारे में बात करूंगा कि जब ये ए है, जो ए है अगर सी से 20 रुपए कम होगा, तो इसका मतलब ये जो सी होगा, सी क्या होगा, ए से 20 रुपए अधिक होगा। अगर मैंने कहा कि आपके पास मुझसे 10 रुपए कम है, तो इसका जस्ट ऑपोजिट क्या हो जाएगा, मेरे पास आपसे क्या हो जाएगा, 10 रुपए क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, इन्वर्स आपका हो जाता है। तो हमको प्रश्न में यहाँ पर बोला है कि ए का हिस्सा बी से तो 20 रुपए अधिक है, वहां तक सही है, और ये जो ए का हिस्सा है सी से 20 रुपए कम है, तो सी का हिस्सा क्या हो जाएगा, इस ए से 20 रुपए क्या होगा, अधिक हो जाएगा। और इस ए का वैल्यू हमको यहाँ पर कितना दिया हुआ है, बी प्लस बी लिया है, तो इस सी को मैं लिख सकता हूँ बी प्लस बीस प्लस मैं यहाँ पर बी लिख सकता हूँ, क्योंकि ये आपका ए का हिस्सा है और साथ में आपका 20 अधिक है, और बीच में यहाँ पर क्या हो गया, बी, और हमने इन तीनों को मिलाया तो हमारे पास कितना आ गया, 120 हमारे पास आ गया। तो बी बी बी, तीन बार बी आ चुका है, ठीक है, बी हमारे पास तीन बार हमारे पास बी आ चुका है, ये पहला कंडीशन। और 20 प्लस 20 प्लस 20 कितना हो गया, 60, बराबर कितना हुआ, 120। तो 3b बराबर, ये प्लस यहाँ के माइनस हुआ तो 60 हुआ, उस कंडीशन में जो b है वो हो जाएगा 60 बट्टे 3, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 20, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना आ गया, 20, तो इसका हम जानते हैं कि b का वैल्यू कितना आ गया, 20 हमारे पास आ गया। अब अगर सपोज आपको बोलेगा a का हिस्सा निकालो, तो यहाँ पर b प्लस 20 कर लेंगे, और अगर बोलेगा सी का हिस्सा निकालो, तो हम क्या कर लेंगे, बी प्लस यहाँ पर क्या कर लेंगे, 40 कर लेंगे, क्योंकि हमको 20 का वैल्यू आ चुका है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। ये आपका परसेंटेज से मिला हुआ क्वेश्चन है, जिसमें आपको साथ में आपका रेशियो क्वेश्चन भी मिला हुआ है। आपको बोला गणित, अंग्रेजी और सामान्य ज्ञान की सीटें, मतलब एक कॉलेज है, स्कूल है, वहाँ पर सीटें हैं, वो किस अनुपात में, 5:7:8 के अनुपात में है। इन सीटों में क्रमशः 40%, 50% और कितना हो रहा है, 75% का वृद्धि हो रहा है। तो आपको ये बताना है कि बढ़ी हुई सीटों में क्रमशः अनुपात क्या है। ये हम जानते हैं कि टोटल यहाँ पर कितना होता है, 100% होता है। कितना होता है, 100% होता है, हम जब बात प्रतिशत की करते हैं। अगर मैं बोला 10% बढ़ा तो नया रेशियो कितना हो जाएगा, 110% हो जाएगा। अगर सपोज मैं बोला 20% कम हुआ तो नया वाला कितना हो जाएगा, अगर मैं बोला 20% कम हुआ तो नया वाला कितना हो जाएगा, 80%, क्योंकि 100 को हमने यहाँ पर क्या लिया है, बेस हमने उसको लिया हुआ है, ठीक है। अब जो स्टार्टिंग में जो आपका रेशो दिया हुआ है, वो आपको दिया हुआ है 5:7:8, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 8 हमको दिया हुआ है, ठीक है। कंडीशन बोल रहा है कि इन सीटों में क्रमशः कितने कितने का वृद्धि हो रहा है, 40%, 50% और 75%। अगर इसमें 40% का वृद्धि हुआ तो ये जो वैल्यू होगा, ये होगा 5:140/100, तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, 7, ठीक है। ये वैल्यू कितना हो गया हमारे पास, 7 हो गया, इसमें हुआ ना, पहले में कितना हुआ है, ठीक। अब जो सेकंड है, ये आपको दिया हुआ है, सेकंड वाला जो दिया है वो आपको यहाँ पर क्या बोला, 50% का वृद्धि हो रहा है, तो 7 into 150 अपॉन यहाँ पर क्या हो जाएगा, 100, तो ये जो होगा ये आपके पास होगा 10.5 का वैल्यू हो जाएगा। ये जो वैल्यू होगा ये आपके पास कितना हो जाएगा, 10.5 का वैल्यू होगा। और इसमें यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो ये वाला कंडीशन है, इसमें यहाँ पर क्या हो रहा है, 75% का वृद्धि हो रहा है, तो ये जो होगा ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 into
175 अपॉन यहाँ पर क्या हो जाएगा 100, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा 14, ठीक है। ये तीनों का तीनों अभी किससे कटेगा, मान लेते हैं 3.5 से, क्योंकि यहाँ पॉइंट में दिया हुआ है ना, ये तीनों का तीनों 3.5 से कटेगा, ये कटेगा दो बार में, ये कटेगा तीन बार में और ये कटेगा चार बार में, तो हमारा रेशियो क्या हो जाएगा 2:3:4 क्या हो जाएगा 4, तो ये हमारा आंसर रहेगा, ठीक है। अगले प्रश्न में आते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है 782 को तीन भागों में बांटना है, 1:2:3:3:4, ठीक है। अब तक क्या होता था, जो हमको फ्रैक्शन था, जैसे हम यहाँ पर ए बी और सी देते थे, तो वहाँ पर क्या दिया हुआ है 2:3 और यहाँ पर क्या दिया हुआ 4, इस तरह के अनुपात में देता था। और अब यहाँ पर क्या दिया हमको, ये जो रेशो दिया हुआ है ये आपको दिया हुआ है किस में दिया हुआ है, ये हमको दिया हुआ है फ्रैक्शन में दिया है। तो इस फ्रैक्शन को हम नॉर्मल नेचुरल नंबर या फिर इसको बिना फ्रैक्शन के, मतलब बिना आपके हर के, अगर इसको नॉर्मल रेशो में लेके आना है तो क्या करेंगे, तो ये जो 2, 3 और 4 दिया हुआ है, हमने इन तीनों का लघुत्तम निकाला, 2, 3, 4 का लघुत्तम कितना आया 12। तो जो पहली संख्या है गुणित 12, तो पहले का क्या हो जाएगा वैल्यू कितना हो जाएगा 6, जो दूसरा दिया हुआ है उसका वैल्यू ये हो जाएगा 8, और जो तीसरा दिया है वो आपको दिया हुआ है 3/4 मल्टीप्लाइड बाई 12, तो ये कितना हो जाएगा, ये वैल्यू हमारे पास कितना हो जाएगा 9। इसका मतलब टोटल जो आपको दिया हुआ है 6 और 8 14, ठीक है, 14 9 कितना हो गया 23, कितना हो गया 14 9 यहाँ पर क्या हुआ 23, मतलब टोटल 23 पार्ट में इसका भाग कितना है 6, इसका भाग कितना है 8 और इसका भाग कितना है 9, ठीक है। आपको क्या निकालना है, आपको पहला भाग निकालना है, पहला भाग मतलब कितना हुआ आपके पास 6 है, आपको 6 से निकालना है, तो ये हो जाएगा 6/23 मल्टीप्लाइड बाई 782, ठीक है। 23 से हम डिवाइड करना चालू करते हैं, 23 से क्या हो जाएगा 69 मतलब 92 बचेगा 4 बार में, तो ये कितना हो जाएगा 6 × क्या हो जाएगा 34, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 204, ये हमारा आंसर होगा। क्लियर हुआ, ठीक। ये क्वेश्चन आपको एक और आपको पीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन आपको ऐसा था सेम, आपको मिलता ही जुलता क्वेश्चन था आपको, ठीक है। वो क्वेश्चन ऐसा देख लेते हैं, वो क्वेश्चन आपका ऐसा था कि आपके पास 117 रुपये रखा है, ठीक है, उसको ए बी और सी में आपको बांटने बोला गया कि 2:3:4 में बांटने बोला, ठीक है। लेकिन गलती से एक विद्यार्थी ने उसे 1/2 और 1/3 और 1/4 के अनुपात में बांटा गया, ठीक। ये प्रश्न पूछा हुआ आपका पिछले बार, मतलब इस 2 साल पहले, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर होगा इसमें। आपको दिया पहले ए को आपको बांटने बोला था, इस अनुपात में बांटने बोला था, तो ऐसा मान लेते हैं इस कंडीशन में ए का कितना भाग मिलेगा, इसमें इस कंडीशन में ए को मिलेगा 2 और 3 5 5 और 4 कितना हुआ 9, टोटल 9 भाग है, 9 भाग में ए का भाग कितना है 2, इसीलिए ए को मिलेगा 2/9 × 117, तो ये हुआ 13 × 2 कितना हो गया 26, ए को मिलेगा 26। बी के बारे में बात करेंगे तो 3/9 × 117 एक बार में और ये तीन बार में, 3 × 3 ये कट जाएगा 39, और सी को मिलेगा 4/9 × 117 एक बार में 13 बार में, 13 × 4 कितना मिलेगा 52। तो एक्चुअली में बांटना था उसको इस कंडीशन के हिसाब से, किस कंडीशन के हिसाब से 26, 39 और 52 के हिसाब से बांटना था, लेकिन उसने बांटा कैसे 1/2 अनुपात 1/3 और 1/4 के अनुपात में बांटा है। तो उस कंडीशन में यहां पर क्या हुआ कि 2, 3 और 4 का हमने क्या निकाला, लघुत्तम निकाला, लघुत्तम हमारे पास कितना आ गया 12, तो जो पहला पोर्शन है वो कितना हो जाएगा 1/2 × 12, तो ये हो जाएगा 6, जो दूसरा है
वो आपके पास होगा 1/3 × 4, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हम 12, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा 4, और जो सी का वैल्यू है, जो तीसरा नंबर है, उसका वैल्यू कितना हो जाएगा तीसरे का, ये आपका हो जाएगा 1/4 × यहाँ पर कितना हुआ 12, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा 3। मतलब अब पहले ए बी बी और सी आपके 2, 3 और 4 के अनुपात है, मतलब टोटल 9 पार्ट से बटा था। अब ये जो ए बी और सी है ये आपका 6, 4 और 3, 6, 4, 10, 10 और 3 कितना हुआ, अब आपको 13 पार्ट में बटा हुआ है। जैसे इससे पहले मैं देखा ये तीनों आपके 9 पार्ट्स में डिवाइड थे, और अब ये कितने पार्ट्स में डिवाइड है, ये आपके 13 पार्ट्स में डिवाइड है। अब अगर बोलेगा सपोज ये आपका ए बी और सी का रेशियो है ना, तो अब आपको सपोज आपको ए को निकालने बोला है, तो ये हो जाएगा 6/13 × यहाँ पर 117, एक बार में 9 बार में, तो ए को अब कितना मिल रहा है 54 रुपए। जब बात करेगा बी का, तो बी को यहाँ पर क्या हो जाएगा 4/13 × 117, 1 और 9, तो ये हो जाएगा 36। जब बात करेगा सी का, तो सी को कितना दिया अपने पास 3, तो 3/13 × 117, 1 बार में 9 बार में, और ये कितना हो जाएगा 27। तो क्लियरली हम देख रहे हैं कि पहले ए को मिल रहा था 26 और अभी कितना मिल रहा है 54, पहले बी को मिल रहा था 39 और अभी कितना मिल रहा है 36, पहले सी को मिल रहा था 52 और अभी कितना मिल रहा है 27। तो हम देख सकते हैं इसमें, अगर इस कंडीशन में जो सबसे अधिक फायदा होगा वो किसको होगा, ए को सबसे अधिक फायदा होगा, और बोलेगा किसे सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, तो क्या हो जाएगा सी को सबसे ज्यादा यहां पर क्या होगा नुकसान आपको होगा। ठीक है, यहां पे एक चीज और समझ लेते हैं। मान लो सपोज आपको इसी का, सपोज आपको दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है ए बी और आपको सी दिया हुआ है 2, 4 और 5 के अनुपात में दिया हुआ है, और आपको बोलेगा कि इसका व्युत्क्रम अनुपात, इसका व्युत्क्रम अनुपात, मतलब इसका आपको बोलेगा इनवर्स रेशियो निकालना है, ठीक है, या विलोम अनुपात निकालना है, तो उसमें यहां पर क्या हो जाएगा, आप 2, 4 और 5 का आप एलसीएम निकाल लो। एलसीएम कितना आ गया, इसका एलसीएम आ गया 20, पहले इस 20 को 2 से डिवाइड किए तो कितना आया 10, 4 से डिवाइड किए तो कितना आया 5, 5 से डिवाइड किए तो कितना आया 4। तो अगर बोलेगा 2, 4 और 5 का विलोम अनुपात इनवर्स रेशियो क्या होगा, उस कंडीशन में हमारा आंसर क्या हो जाएगा 10:5 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक, क्लियर हुआ ये वाला क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ये। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। ये आपको दिया हुआ है कि एक पिता और उसके पुत्र की आयु का योग आपको दिया हुआ है 100 वर्ष। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 2:1 था, तो 10 वर्ष बाद आपको उनकी क्या निकालना है, आयु का अनुपात निकालना है। अब अगर मैं सपोज आपको मैं बोला कि आपके जो फादर हैं और जो सन हैं दोनों मिला के 100 साल के हैं, दोनों मिला के 100 साल के हैं, अगर उस कंडीशन में अगर मैं मान लो फादर को एक्स लेता हूँ, तो ये क्या होगा, एक्स प्लस जो आपका सन होगा, एक्स प्लस जो आपका सन है मतलब जो पुत्र है, मिला के कितना हो जाएगा 100, तो ऑब्वियसली जो सन होगा वो कितना हो जाएगा 100 - x। ठीक है, इसका मतलब कंडीशन हम क्या समझ गए हैं, हम ये समझ गए हैं कि उसका जो पुत्र है, उसके जो पुत्र हैं उसका 100 - x है, और उसके जो पिता है वो कितना है, x साल के हैं। और आपको बोला है कि 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात कितना था, 2:1। 5 वर्ष पूर्व पिता कितना होगा, आयु में यहां पर क्या होता है, आयु में अगर एक व्यक्ति की आयु बढ़ेगी तो दूसरे व्यक्ति की आयु यहां पर क्या होगी, बढ़ेगी, और अगर एक व्यक्ति की आयु कम होगी तो दूसरे व्यक्ति की आयु यहां पर क्या होगी, कम होगी। ठीक, तो अब आपको बोल रहा है कंडीशन में, आपको बोल रहा है क्या, बोल रहा है 5 साल पहले उनकी आयु का,
पांच साल पहले पिता कितने साल के होंगे, x माइनस पांच होंगे, और पुत्र कितना होगा, 100 माइनस एक्स माइनस पांच होगा, और इनके आयु का अनुपात कितना है, 2:1। ठीक है, यहां पर ये जो सॉल्व किए तो ये हुआ 95 माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो क्या होगा, 2x माइनस 5 इक्वल टू, सॉरी क्रॉस मल्टीप्लाई किए इसको हम लोग यहां पर ऐसा मल्टीप्लाई किए तो यहां पर हुआ x माइनस 5, और यहां मल्टीप्लाई किए तो 190 माइनस कितना हो जाएगा, 2x। ठीक है, इसको इधर लेके आए तो ये हमारे पास हुआ 3x, और इसको इधर लेके आए तो हमारे पास हुआ 195, और यहाँ से x का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास x का वैल्यू होगा कितना हो जाएगा, 195/3, तो वैल्यू कितना हो जाएगा, 65। तो हम यहाँ पर समझ चुके हैं जो पिता है वो आपका 65 साल के हैं, और जो पुत्र है 100 में से 65 जाएगा तो कितने साल का हो जाएगा, 35 साल का होगा। मतलब पिता आपके 65 साल के हैं, पुत्र आपके साल का 35 साल का है, और आपको बोला है कि 10 वर्ष बाद पिता और पुत्र की आयु का अनुपात क्या होगा, 10 वर्ष बाद जो पिता होगा वो 75 साल का होगा और जो पुत्र होगा वो 45 साल का होगा, 15 से कटेगा 5 बार में, 15 से कटेगा 3 बार में, और हमारा जो आंसर होगा वो होगा 5:3, ये हमारा आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन। क्लियर हुआ ये वाला क्वेश्चन, एज रिलेटेड क्वेश्चन में आपको आयु का बहुत बार आपको पूछता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक, ये आपका इनकम और एक्सपेंडिचर का है, आपका इनकम और क्या दिया आपको, एक्सपेंडिचर। ठीक है, आय और व्यय वाला है। अच्छा, आय और व्यय आने से पहले एक चीज कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, आपकी जो बचत है, मतलब जो आपकी जो बचत है, जो आपकी सेविंग है, वो आपको कैसे निकलती है, आपने जितना कमाया है, आपकी जितनी इनकम है, इनकम में से क्या करेंगे, आपका जितना एक्सपेंडिचर है आपका खर्चा माइनस कर देंगे, तो उस कंडीशन पर आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, सेविंग मिलेगा। मतलब आप अपनी आय में से जितना आप खर्चा कर रहे हैं उसको घटा देंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको आपकी बचत मिलेगी। ठीक है, वही होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 120 रुपये कमा रहा हूँ और उसमें 100 रुपये खर्चा कर रहा हूँ तो मैं कितना पैसा बचा रहा हूँ, मैं बचा रहा हूँ 120 में से 100 खर्चा कर दिया तो मैंने कितना बचाया है, मैंने बचाया है 20। और ये 20 आया कैसे कि 120 कमाया और 100 यहाँ पे खर्चा किया तो जितना कमाया उसमें से खर्चे को माइनस कर दिया, दैट मीन्स इनकम माइनस एक्सपेंडिचर किया, आय में से व्यय को घटाया, तो ऑब्वियसली मेरी क्या हो जाएगी, मुझे मेरा बचत मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमको मिल गया, यहाँ पर क्या हुआ, बचत में से आय गया। तो ये याद रखना, आय को हम वेरिएबल एक्स में लेंगे, दो वेरिएबल चलना पड़ेगा क्योंकि आय अलग है व्यय अलग है, तो जो आय होगा वो हमारे पास एक्स वेरिएबल में होगा और जो व्यय होगा वो हमारे पास y वेरिएबल में होगा। ठीक है, जो इनकम होगा वो x के वेरिएबल में होगा और जो एक्सपेंडिचर होगा वो हमारे पास क्या होगा, y के वेरिएबल में होगा। ठीक, अब प्रश्न को देखते हैं। P और Q की आय, यहां पर P है और यहां पर Q है। अब जब बात इनका इनकम का करते हैं तो इनका इनकम किस अनुपात में, 5:3, 5 और 3 के अनुपात में, मतलब 5x और कितना है, 3x। ठीक है, फिर कंडीशन बोला है कि उनका जो एक्सपेंडिचर है, मतलब उसका जो खर्चा है, वो 9 और 5 के अनुपात में है, तो इसको 9y और इसको 5y ले लेते हैं, क्योंकि जो इनकम होगा वो वेरिएबल x के में होगा और जो एक्सपेंडिचर होगा वो वेरिएबल किस में होगा, y के में होगा। और हम ये जानते हैं कि इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, आय माइनस व्यय करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, हमको मिलेगा हमारा सेविंग मिलेगा। अब ए जो है, सॉरी जो पी है, वो आपको कितना बचा रहा है, वो क्रमशः ये आपको बचा रहा है, एक बार बचा रहा है 1300, पहला आदमी बचा रहा है 1300, दूसरा कितना बचा रहा है 900, तो यहाँ माइनस किए तो ये हमारे पास हुआ 1300 और यहाँ माइनस किए तो ये हमारे पास कितना हुआ 900। ठीक है, हमको क्या निकालना है,
प्रत्येक व्यक्ति की आय निकालना। अच्छा, आय निकालना है, आय निकालना अपन लोग क्या कर लेते हैं, व्यय को अपन विलोपित कर लेते हैं। यहाँ पर 9 और यहाँ पर 5 दिया है, तो यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ पर 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, ताकि आपका क्या हो जाए, वाई और वाई कट जाए और हमारे पास जो आंसर बचे वो किस में बचे, वो हमारे पास एक्स में बचे। तो उसको हम लोग इस तरीके से करते हैं, ठीक है। इस 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 25x माइनस 45y इक्वल टू 13 पंचे यहाँ पर कितना हो जाएगा 6500। नीचे मल्टीप्लाई किए तो ये आपका हुआ 27x माइनस 45 माइनस 45y इक्वल टू क्या हो जाएगा 8100, ठीक है। ये माइनस हुआ, प्लस हुआ और ये माइनस हुआ, दोनों कैंसिल। यहाँ पर बचा माइनस 2x और यहाँ पर बचा माइनस 1600, दोनों कैंसिल हुआ। x हो जाएगा 1600 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 800। x का वैल्यू कितना हो जाएगा 800, और हम जानते हैं ये वैल्यू 5x है, तो 5 इंटू 800 इंटू 5 तो ये वैल्यू हो जाएगा 4000, और ये 3x है तो 800 मल्टीप्लाइड बाई 3 तो ये हो जाएगा 2400। तो हमारा आंसर 4000 और कितना आया है 2400, तो ये डी, ये हमारा आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रुपए और सिक्के कॉइन्स वाला क्वेश्चन। सबसे ज्यादा पूछा गया अगर कोई प्रश्न आपका रेशियो प्रोपोर्शन में से है, वो आपका सिक्के और कॉइन वाले में से है। ये आपको बोल रहा है कि एक बॉक्स में 180 रुपए रखा है, जिसमें 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 2, 3 और 4 के अनुपात में है। उस बैग में 50 पैसे के सिक्के हैं, ठीक है, 50 पैसे के सिक्के हैं, अच्छा 1 रुपए के क्या, सॉरी, उसमें 1 रुपए का सिक्का है, 50 पैसे का सिक्का है और 25 पैसे का सिक्का है, और ये किस अनुपात में है, 2, 3 और 4 के अनुपात में है, और इस पूरे बैग में मिला के मेरे पास कितना रुपए रखा हुआ है, 180 रुपए मेरे पास रखा हुआ है। तो मुझे ये बताना होगा कि 1 रुपए के कितने सिक्के होंगे, 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे और 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे। कभी भी अगर आपको जो आपको कॉइन्स के बारे में बात कर रहा है, अगर वो रुपी और पैसे के मिक्सचर में होगा तो क्या करेंगे, हमारे पास जो भी रुपए में कंपोनेंट होगा सभी को हम पैसे में कन्वर्ट कर लेंगे। तो उस कंडीशन में ये जो 180 रुपए है, हम जानते हैं कि 1 रुपए में 100 पैसा होता है, तो ये जो 180 रुपए है ये कितना हो जाएगा, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18000 पैसा हमारे पास हो जाएगा, और ये कितना पैसा होगा, 100 पैसा होगा, ये वैसे का वैसे रहेगा। तो हम मान लेते हैं कि 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के जो सिक्के हैं 2, 3 और 4 के अनुपात में है, तो इसको 2x ले लेते हैं, इसको 3x ले लेते हैं और इसको 4x ले लेते हैं। ये जो सिक्के हैं 2x 3x और 4x के अनुपात में है, तो 100 के 2x सिक्के ये बनाएगा 200x बनाएगा, 50 के 3x सिक्के ये मेरे पास बनाएगा 150x बनाएगा, और 25 पैसे के 4x सिक्के ये कितना बनाएगा, 100x बनाएगा, और ऐसा करने के बाद जो कुल मूल्य है वो आपका कितना हो जा रहा है, ये आपका कुल मूल्य हो जा रहा है 18000, ये आपका कुल मूल्य आपके पास हो जा रहा है। अब इसको सॉल्व करना चालू किए, यहाँ पर ये तीनों को हमने यहाँ पर प्लस किया तो ये हो जाएगा 450x इज इक्वल टू 18000, x इक्वल टू 18000 बटे 450, यहाँ सॉल्व किए ये हुआ, और यहाँ पर कितना बचा, 40 बचा, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 40। बोलेगा 1 रुपए के कितने सिक्के हैं, 40 दूनी कितना हो जाएगा 80, बोलेगा 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, 40 तिया ये हो जाएगा 120, बोलेगा 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो 40 चौक ये कितना हो जाएगा 160।
ये हो जाएगा 160। तो पूछा आपको कितने का है, आपको पूछा है 50 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 120 और ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब यही रेशियो प्रोपोर्शन के नए फॉर्मेट का क्वेश्चन है आपका कॉइन्स रिलेटेड, ठीक है। अब यहां पर क्या दिया हुआ है, इससे पहले क्वेश्चन में आपको क्या दिया था, इससे पहले क्वेश्चन में आपको दिया हुआ था कि यहां पर आपको वहां पर जितने भी आपके सिक्के रखे थे आपको उन सिक्कों का मूल्य दिया था, ठीक है। सिक्कों का यहां पर क्या दिया था, अपने पास कुल मूल्य दिया था। अब यहां पर क्या दिया हुआ है, आपको यहां पर क्या दिया, सिक्कों की संख्या दिया हुआ है आपको। वहां पे क्या था, सिक्कों का जो कुल सिक्के रखे है ना, आपको उनका कुल का मूल्य दिया था, टोटल का दिया हुआ था वैल्यू कि इस बैग में इतना रुपया रखा है आपको। अब यहां पर दिया आपको कि आपको कितना सिक्का रखा, आपको ये दिया हुआ है। आपको बोला 378 सिक्के में किस किस का है, एक रुपए का सिक्का है, 50 पैसे का सिक्का है और 25 पैसे का सिक्का रखा हुआ है, और उनके जो मूल्य है मतलब मूल्य का अनुपात दिया हुआ है 13, 11 और 7 का, उनका मूल्य का अनुपात दिया हुआ है। सिक्कों की संख्या नहीं बोल रहा है, सिक्के जो रखे उनके मूल्य का अनुपात बोल रहा है। और हम ये जानते हैं कि एक रुपए में कितना पैसा होता है, एक रुपए में 100 पैसे होते हैं, ये हम जानते हैं। एक रुपए में क्या होता है, एक रुपए में 100 पैसा होता है, ये हम जानते हैं। तो 13 रुपए बनाने के लिए एक रुपए के कितने सिक्के लगेंगे, हमको एक रुपए बनाने के लिए, 13 रुपए बनाने के लिए एक रुपए के हमको 13 सिक्के ही लगेंगे, ठीक है। ये 11 रुपए बनाने के लिए 50 पैसे के कितने सिक्के लगेंगे, एक रुपए बनाने के लिए 50 पैसे के 2 सिक्के लगेंगे, इसीलिए ये 11 रुपए बनाने के लिए हमको 11 दुनी 22 सिक्के लगेंगे, और 25 पैसे के 4 सिक्के मिलके 1 रुपए बनेगा, इसीलिए इस 7 रुपए को बनाने के लिए 7 चौक 28 सिक्के लगेंगे। मतलब जो सिक्के हैं वो, जो सिक्के हैं वो 13, 11 और 28 के अनुपात में हैं। तो ऐसा मान लेते हैं कि 1 रुपए के 13x सिक्के हैं, 50 पैसे के 22x सिक्के हैं और 25 पैसे के 28x सिक्के हैं, और इन कुल सिक्कों की संख्या कितना दिया हुआ है, 378। हम तीनों को प्लस किए तो ये हमारे पास कितना हुआ, ये हम प्लस किए 28 और 22 कितना हो जाएगा, 50 और 13, तो ये हो जाएगा 63x इक्वल टू 378 और x इक्वल टू 378 डिवाइडेड बाई 63, ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 6। x का वैल्यू कितना हो गया, 6, और हमको बोला है 50 पैसों की सिक्कों की संख्या कितनी होगी, तो ये हो जाएगा 22 गुणित 6 और ये हमारे पास हो जाएगा 132, ये हमारा आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो।